अगर आप ऐसा घर ढूंढ रहे हो जो कि मेट्रो से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर रहने वाला है, 100 मीटर पे आपका रहने वाला है, आप निकलते ही आपका मेट्रो स्टेशन आपके सामने होगा, 3 BHK का फ्लैट जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हो, जिसके साथ आपको पार्किंग मिले, लिफ्ट मिले, तो आपके लिए हम ऐसा ही घर लेके आए हैं। लेआउट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है। एंटर करते ही आप ड्रॉइंग एरिया देखिए कितना लग्जरियस होने वाला है। यहाँ पे आपका पहला बेडरूम आता है और यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम आता है एंटर करते ही। ठीक, ये आपका किचन एरिया होता है, ये आपका सेकंड बेडरूम है और ये आपका लास्ट थर्ड बेडरूम जो कि आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं, आपकी एंट्रेंस यहाँ से होगी। ड्राइंग एरिया की बात करें तो ड्राइंग एरिया में आपको 8 सीटर आपको ड्राइंग एरिया यहाँ पे सोफा रखा हुआ मिलता है। यहाँ पे आपका इतना स्पेशियस कॉफी टेबल है और मूवेबल एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा खासा है, आप आराम से वॉक कर सकते हैं। पीछे की बात कर ले तो यहाँ पे आपका POP और माइका लगा के दिया जाता है, आपका मिरर यहाँ पे है डिजाइन के लिए, ऊपर आपके सिल्वर पैनल्स हैं, TV पैनल आप देखिए यहाँ पे इतना स्पेशियस प्रोफाइल लाइट्स के साथ आपका डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं और ऊपर फॉल सीलिंग देखिए स्क्वायर टाइप में गोल्ड लुक में आपका बहुत ही प्यारा सा फॉल सीलिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 फैंस भी लगे हुए मिलते हैं। इसी के अपोजिट में जो आपका रहने वाला है ये किचन एरिया रहने वाला है। जिस किचन के एरिया की बात करें तो आपका यू टाइप में किचन बना रहेगा। जिसके अपर कैबिनेट्स की बात करें तो इस तरीके से इसके अपर कैबिनेट्स होने वाले हैं, इस तरीके से ये एल टाइप में देखें कितने बड़े बड़े आपको कैबिनेट्स मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिलते हैं। लोअर कैबिनेट्स की बात करें तो इस तरीके से आपको लोअर कैबिनेट्स मिलते हैं, अंदर स्टील का काम आपका किया गया है और एल टाइप में भी लोअर कैबिनेट्स इतने एरिया में आपको मिलते हैं। आप एरिया देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। सिंक एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है सिंक एरिया और ऊपर फॉल सीलिंग देखिए यहाँ पे आपको एक फैन लगा के दिया जाता है जो खाना बनाते वक्त आपको गर्मी ना लगे। चलते हैं अपने पहले बेडरूम की ओर। यहाँ पे ये आपका देखिए यहाँ पे हर एक रूम को स्पेस बहुत ही अच्छा खासा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा बेड अलग अलग करके आप यहाँ पे अपनी अलमीरा प्लेस कर सकते हैं जैसे आपकी सुविधा हो। पीछे आप कुशनिंग देखिए, टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट आपकी कुशनिंग करी गई है, यहाँ पे गोल्ड स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। ऊपर आप देखिए फॉल सीलिंग कितना प्यारे तरीके से किया हुआ है, आपको एक फैन भी लगा के दिया जाता है। ये मैं आपको फुल्ली फर्निश्ड का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये है आपका इतना बेड एरिया हो जाता है। सामने जस्ट इसका देखें तो आपका यहाँ पे TV पैनल लगा हुआ है जो कि वुडन टेक्सचर में आपका TV पैनल रहने वाला है। नीचे भी आपको स्टोरेज एरिया मिलते हैं। यहाँ पे आपको वार्डरोब एरिया की बात करें तो ये देखिए इस तरीके से आपका वार्डरोब एरिया रहने वाला है। यहाँ पे आपको लोअर कैबिनेट्स भी मिलते हैं और ये आपका मिरर है और ये ड्रेसिंग एरिया आपका ये भी खुलता है और अंदर आपको स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं। वेंटिलेशन के लिए अटैच रहने वाला है इसके साथ बैल्कनी और यहाँ पे आपको विंडो भी मिलती है। ऊपर आपको विंडो AC के लिए आपको स्पेस भी मिलता है और इस तरीके से यहाँ पे आपकी बैल्कनी होने वाली है। बैल्कनी में आप स्पेस देखिए किस तरीके से आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपका स्टेनलेस स्टील ग्रिल है, यहाँ पे ग्लास है, हाइट देखिए कितनी ज़्यादा आपको मिलती है और ऊपर आप वर्क देखिए वुडन टेक्सचर में कैसे लगाया गया है, कॉपलाइट्स है। फ्रंट में आपका रोड रहने वाला है 25 फिट का। तो आपने देख लिया हमारा पहला बेडरूम, इसके साथ आपका अटैच रहने वाला है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की ओर चलते हैं तो स्पेस देखिए, स्पेस आपको यहाँ पे कितना मिलता है। आप अपने बेड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छे साइज का बेड यहाँ पे आपका लगाया गया है। पीछे आपकी ब्लैक कुशनिंग है, स्ट्रिप्स हैं, ऊपर देखिए फॉल सीलिंग का वर्क कैसे किया हुआ है, राउंडेड स्क्वायर से आपका डिज़ाइन किया हुआ है, गोल्ड लुक आपको दिया हुआ है। वार्डरोब सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको वार्डरोब सेक्शन इस तरीके से मिलने वाला है और इस साइड भी आपका वार्डरोब सेक्शन इस तरीके से मिलने वाला है और ये है आपका अगेन ड्रेसिंग एरिया जो कि इधर भी आपको मिलता है। अंदर आपको स्टोरेज एरिया मिलता है, बाहर आपको मिरर मिलता है और लोअर कैबिनेट्स इस तरीके के आपको मिलते हैं। यहाँ पे TV पैनल की बात करें तो वॉलपेपर लगा के आपको यहाँ पे TV पैनल मिलता है। यहाँ पे आपके ब्लैक पैनल्स लगे हैं, ये आपके कुछ डेकोरेशन के लिए आपके कुछ स्पेस दे रखे हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है और ऊपर विंडो AC के लिए स्पेस मिलता है।
अटैच रहने वाला है इसके साथ वॉशरूम। तो हमारा मास्टर बेडरूम यहाँ पे होता है फिनिश। इसी के ठीक अपोजिट साइड में आपका आता है लास्ट थर्ड बेडरूम। पूरा जो आपको यूजेबल एरिया यहाँ पे मिलने वाला है, 100 गज का आपका यूजेबल एरिया मिलने वाला है। आपको स्पेस बहुत ही अच्छा खासा हर एक बेडरूम में मिलने वाला है। बेड स्पेस आप देखिए, पीछे की डिजाइनिंग देखिए किस तरीके से क्रीम कलर में है। ऊपर इस तरीके का आपका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है ब्लू लुक में। वार्डरोब सेक्शन की बात करें तो दोनों साइड से आपको इतना स्पेशियस वार्डरोब मिलता है और यहाँ पे आपको लोअर कैबिनेट्स मिलते हैं। ये जो स्पेस है आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, बहुत ही बड़ा प्यारा लगता है। और ठीक इसके सामने आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम आपका इस तरीके से टीवी पैनल होने वाला है, जिसके दोनों साइड से आपको गोल्डन स्ट्रिप्स और ब्लैक पैनल्स मिलने वाले हैं। एसी की वायरिंग देखें तो यहाँ पे आपकी एसी की वायरिंग हो जाती है और इस तरीके से हमारा लास्ट बेडरूम होने वाला है। अटैच रहने वाले इसके साथ अपना कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में बहुत ही बढ़िया पैसेज आपका बनाया गया है, इतना लंबा स्पेस आपको मिलता है। मिरर देखिए कितना बड़ा प्यारा लग्जरी बनाया गया है, इसमें कलर भी चेंज होते हैं, इस तरीके से आपका मिरर होगा। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आएगा। और वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। टाइल का वर्क आपको बॉटम से लेकर टॉप तक मिलता है। तो इस तरीके से हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। तो कैसा लगा है घर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। की फीचर्स की बात कर लूँ तो पार्किंग तो है ही, लिफ्ट भी है ही और रूफ वाला फ्लोर भी अभी आपको अवेलेबल इसमें मिलता है। सबसे मेन की फीचर्स का है मेट्रो स्टेशन आपका ठीक वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 100 मीटर पे आपका रहने वाला है। निकलते ही आपके सामने आपका मेट्रो स्टेशन है। हम आपको 90% लोन तक की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए राधे राधे।